आज जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के दौरान लगातार अधिवक्ताओं की मौत हुई है, जिसके चलते आज तक शासन के द्वारा कोई भी मदद उन्हें नहीं मिली है। तो वहीं बताया गया कि करीब 18 से 45 वर्ष के अधिवक्ताओं की कोरोना के चलते मौत हुई है, जिसके चलते पहले भी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 18 से 45 वर्ष के अधिवक्ताओं के वैक्सीनेशन करवाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अधिवक्ताओं की मदद किए जाने की मांग की गई और शासन की नीति अधिवक्ताओं के हित में बनाए जाने की बात कही गई। आज जिला अधिवक्ता संघ ने माननीय जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को एक पत्र प्रेषित किया है, जिसमें ये मांग की है कि कोविड में लगातार हमारे अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई है और बहुत से ना केवल अधिवक्ता उनके पूरे परिवार के सदस्य अस्पतालों में इलाजरत हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब पिछले एक वर्ष से ऊपर का समय निकल गया और अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई शासन के द्वारा, हमने लगातार मांग कर रहे हैं। अभी दो दिन पहले हमने कलेक्टर महोदय से बात भी की थी और माननीय CMHO जो हैं उनसे भी ये मांग की थी कि 18 से 45 वर्ष की आयु के ज़्यादातर अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई है कोरोना से। ऐसी परिस्थिति में 18 से 45 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, जो भी अधिवक्ता हैं, उनको प्राथमिकता के साथ में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए और शासन ने अधिवक्ताओं के हित के लिए अभी तक कोई नीति निर्मित नहीं की। आज जिला अधिवक्ता संघ ने इस पत्र के माध्यम से ये मांग की है कि शासन की नीति जो है अधिवक्ताओं के हित में भी कुछ बनाई जाए। अभी तक अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।